बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खातून एक मौलवी साहब के पास गई। मौलवी साहब, कोई ऐसा तवीज़ लिखते हैं कि मेरे बच्चे रात को भूख से ना रोया करें। मौलवी साहब ने तवीज़ लिख दिया। अगले ही रोज़ किसी ने रुपयों से बड़ा थैला इनके सहन में फेंक दिया। खातून के शोहर ने एक दुकान किराए पर ले ली। कारोबार में बरकत हुई और दुकानें बढ़ती गईं और पैसे की रेल पेल हो गई। एक दिन खातून की नज़र इस पुराने संदूक पर पड़ी जिसमें इन्होंने तवीज़ को महफूज रखा था। जाने मौलवी साहब ने तवीज़ में क्या लिखा था। तजस्सुस में इसने तवीज़ खोल डाला। लिखा था, जब पैसे की रेल पेल हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छुपाने की बजाय कुछ ऐसे घरों में डाल देना जहाँ रात को बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हों।